वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंदुसमन्वितम् श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नितानंदसहोदितम् श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजनो समायुक्तम् बिंदावनम् मनोहरम् वाशाकल्पतरुवश्य कृपा सिंधुभ्यः च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं बिन्दावै तुलसीदेवै प्रियावै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्वभक्त्वै नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तः भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण धेयं सदा परिभवं अभीष्टदुहं तीर्थास्पदं शिव विरंचनुतं शरण्यं वीतातिहं पनुतपाल भवद्विभूतं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरीजितकमपि गवोदूषदर्शि पूर्णानुरागर स्वसागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आजानुलंबित भुजौ कनका बदातो संकीर्तनैकपितरो गमलायताक्ष विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासिनितं भावानुरूपेण सदा नरानं गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषी त्वाम भागम नारायणो प्रियमनंगम मदापहारम वरानुतिपुरपति भजवीशनाथम वागीशजुष्व वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे हरे अभो हरे राम 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 हरे हरे
अपराध सहस्र संकुलं पतितं भीम भवार्णवोधरे अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवलमात्मसात् कुरु। अपराध सहस्र संकुलं पतितं भीम भवार्णवोधरे अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवलम आत्मसात् कुरु। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जगत पापा परमंस जगत गुरु जी ने बताए, मानव जब तक तर्क पंथा अवलंबन करते हुए आगे बढ़ने का कोशिश करता है तब तक गुरु दर्शन वैष्णव दर्शन संभव नहीं। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जगत पोहपा परमंश जगत गुरु जी ने बताए, जब तक मानव अपना बल भरोसा पर आस्था रखते हैं, जब तक मानव तर्क पंथा को अवलंबन करते हैं, तब तक सद्गुरु वैष्णव का दर्शन इनके लिए संभव नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने बताएं, भगवान का कृपा भक्तों का माध्यम हमारा ऊपर आ सकता है। भगवत कृपा कभी डायरेक्टली साक्षात रूप से भक्तों का ऊपर आता नहीं। भक्तों का माध्यम भगवान का कृपा हमारे ऊपर बरसता है, यही नियम है। श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, शरणागति भजन का सबसे बड़ा वाइटल पॉइंट है। शरणागति नहीं है तो कुछ नहीं है। श्रील सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर जी ने लिखा है कीर्तन में, प्रभुपाद जी ने बताया प्राण अच्छेदार सेहतु प्रचार। श्रील प्रभुपाद जी ने बताया प्राण अच्छेदार सेहतु प्रचार। ये प्राण का माने क्या है, इसका बारे में श्रील सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर कीर्तन में लिखा है, सिखाए शरणागति भक्तिर प्राण। काल इसी विषय पर चर्चा हो रहा था, कौन गुरु का काम कर सकता है, कौन गुरु का काम नहीं कर सकता है। जगतवासी गुरु तत्व के बारे में वैष्णव तत्व के बारे में अंधा है, कुछ समझ नहीं सकता क्या है। हरि भजन करना जरूरी है, हरि भजन छोड़ के कोई दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। और हरि भजन करने के लिए सद्गुरु का चरण आश्रय करना जरूरी है। सद्गुरु का चरण आश्रय करना जरूरी है, और आश्रय करना मतलब शरणागत होके गुरु वैष्णव का आज्ञा का पालन करना, संपूर्ण समर्पित आत्मा होकर, नहीं तो भजन का शुरुआत नहीं होता। प्रभुपाद कह रहे हैं पूरा दुनिया शालग्राम दे के बादाम तोड़ने का आदर्श स्थापन किया है। पूरा दुनिया का विचार ये है शालग्राम दे के बादाम तोड़ने का विचार है। प्रभुपाद कह रहे हैं
एक कहानी, एक जमींदार का एक गृह देवता था शालग्राम, दामोदर शालग्राम। पूजा करने के लिए एक पुजारी रखा गया, पुजारी रोजाना आते थे, तनख्वाह लेते थे। और जमींदार जी का नियम है, ये नियम था रोज कुछ बादाम ठाकुर जी को भोग लगाए। लेकिन पुजारी मंदिर का अंदर घुसकर चंदन का जो पत्थर है, चंदन घिसने का, इसको ऊपर बादाम को एक एक करके रख के सालग्राम देकर बादाम को तोड़ते थे और बादाम को पाते थे। वो सालग्राम जी को एक सामान्य पत्थर ज्ञान करते थे। बहुत जल्दी ही ये बात फैल गया चारों ओर पुजारी का कैरेक्टर के बारे में, और पुजारी को जमींदार बाबू मंदिर से धक्के लगा के निकाल दिया। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं भक्ति राज्य में, भजन राज्य में भी ऐसा ही नियम चल रहा है, अर्थात श्री हरि गुरु वैष्णव, श्री हरि गुरु वैष्णव का सेवा करना जरूरी है, लेकिन उल्टा हरि गुरु वैष्णव का सेवा करना जरूरी है लेकिन उल्टा हो रहा है। हरि गुरु वैष्णव को यूज करके, यूटिलाइज करके हमारा भोग का सामान इकट्ठा करने का, हमारा कामना वासना को पूर्ति करने का, कामिनी कांचन संग्रह करने का, लाभ पूजा प्रतिष्ठा संग्रह करने का ये व्यवस्था चल रहा है पूरा दुनिया में, पूरा दुनिया में ऐसा चल रहा है। एक भी देखा नहीं। आजकल के जमाने में एक भी दिखा नहीं, बस गया सब। ये प्रभुपाद कह रहे हैं ये सालग्राम देकर बादाम तोड़ने का ये आदर्श है, ये नियम। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं जितना सारे पाठक है, जितना सारे पाठक है, पाठ करके ठगता है, ठगी है पाठक, पाठ करके जो चीट करना चाहता है, ठगना चाहता है। प्रभुपाद कह रहे हैं ये लोग श्री गीता, श्रीमद् भगवत, महापुराण आदि शास्त्र पाठ, और नहीं तो धर्म विषयक वक्तृता प्रवचन, धर्म ग्रंथों रचना करना, कीर्तन अथवा मंत्र आदि प्रदान करने का जो व्यवस्था किया है, इसके बदले में रुपया पैसा लाभ पूजा प्रतिष्ठा संग्रह करने का, अपना निजी इंद्रिय तृप्ति साधन करने का चेष्टा चला रहा है। इसी को ही दुनिया का आदमी भजन समझ के बैठा हुआ है, इसी को ही दुनिया का आदमी उल्लू कपट्ठा सब ये भजन समझ के बैठा हुआ है और जिंदगी गंवा रहा है। प्रभुपाद कह रहे हैं ये सालग्राम देखे बादाम तोड़ने का आदर्श है, विषय है। किराए पे बुलाया गया, किराए पे बुलाया गया जो पाठक है, कथा करने वाला आदमी है और प्रवचन देने वाला, महाराज इधर प्रवचन करो आपको ऐसा पैसा मिलेगा, और कीर्तन करने वाला का टीम है, दल है, इस सबको पैसा देके बुलाया जाता है, और मंत्रों बिक्री करने वाला जो आदमी है, ये सारे के सारे ये सालग्राम देखे, ये सारे के सारे सालग्राम देखे ये बादाम तोड़ने का आदर्श है। जो गया गया जमाना,
जो चल रहा है हालत ऐसा ही चल रहा है। भगवान का सेवा का वस्तु, गुरु वैष्णव का सेवा का वस्तु, सारे अपना सेवा में लगाने से आदमी अनंत काल के लिए पाखंडी बन जाता है, नरक में पहुंचता है। श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी ने लिखा है, कहा है, दुनिया का चोर बदमाश का कभी मंगल हो सकता है? दुनिया का जितना सारे चोर बदमाश है इन सभी का कभी मंगल हो सकता है, लेकिन जो गुरु वैष्णव भगवान का जो सेवा का सामान लूट कर रहा है, चोरी कर रहा है, ये लोगों का मंगल का कोई रास्ता नहीं है। गुरु वैष्णव को सेवा करना दूर की बात है, उल्टा गुरु वैष्णव को अपना सेवा के लिए इस्तेमाल करना, गुरु वैष्णव का सेवा का तो बात दूर की बात है, ये तो कहना ही क्या है, लेकिन गुरु वैष्णव का सेवा का बहाना लेकर अपना लाभ पूजा प्रतिष्ठा सारे इकट्ठा करना, ये सबसे बड़ा अपराध है, पखंडी बना देता है और अनंत काल के लिए नरक में जाता है। मठ भोग, मठ में मठ भोग मठ सेवा, गुरु भोग गुरु सेवा, ये दोनों एक नहीं है, ये दोनों एक नहीं है। दुनिया का आदमी इतना अंधा है, ये लोग को हृदय में विचार बैठता ही नहीं, कौनों का कामिनी प्रतिष्ठा बागिनी छरिया ची जारे सही तो वैष्णव, ये बात समझता ही नहीं, और इसका पक्का व्याख्या करके किताब निकालो वो पढ़ेगा भी नहीं, धोखेबाजों का किताब पढ़ेगा, धोखेबाज सब ये लोगों का किताब पढ़ेगा। भगवान का पास, गुरु वैष्णव का पास धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि मुक्ति प्रार्थना करना ये कभी उचित नहीं होता है, ये कभी उचित नहीं है। ये सालग्राम देखे बादाम तोड़ने का ही विचार बनता है। काल गुरु सेवा और दीक्षा ग्रहण में अवश्य कर्तव्य सारी चीजें बताने का कोशिश की, और इसमें नेगेटिव चीज क्या है, अनुकूल प्रतिकूल अन्याय व्यतिरिक रूप में सारे चीज को चर्चा करने का कोशिश किया है। पोपा जी ने कहा है, जिंदगी का सारे समय बर्बाद हो गया, जिंदगी का सारे समय बर्बाद हो गया। और दो दिन पहले अंग्रेजी कथा में कह रहा था मैंने, निद्रया यतनुक्तम वैवयेन च वावयोः दिवा च अर्थहया राजन् कुटुंब भरणेन वा। निद्रया यतनुक्तम, रात का समय निद्रा में गुजर जाता है 8 घंटा। निद्रया यतनुक्तम वैवयेन च वावयोः, और रमणी का साथ रमन करने और रमन का साथ रमणी रमन करने के समय सारे समय कैसे हवा का मापिक निकल जाता है पता नहीं चलता। पुरुरोवा राजा को पता नहीं चला कितना सालों साल, पुरुरोवा राजा को पता नहीं चला कितना सालों साल हवा का मापिक गुजर गया। बाद में जब समझा एक धोखे में पड़ गया मैं, अब रोना धोना शुरू कर दिया, ओई लो पुरुरोवा रोना धोना शुरू कर दिया, और रोने से क्या फायदा, रोने से कोई फायदा नहीं, पूरा जिंदगी गंवा दिया। उर्वशी का साथ पता नहीं चला महाराज कैसे हवा का मापिक
चला गया सारे समय बर्बादी का ओर सारे। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं एक पल भर समय नष्ट करना उचित नहीं है। इसी वक्त एक पल भर समय नष्ट करना खराब करना उचित नहीं। इसी वक्त भगवान श्री कृष्ण का कृपा लाभ के लिए प्रयास प्रचेष्टा करना जरूरी है। मतलब भगवान के निजी जन शुद्ध गुरु वैष्णव का चरण पकड़कर आश्रय लेकर नित्य धाम को जाने के लिए प्रयास प्रचेष्टा करना जरूरी है। प्रभुपाद कह रहे हैं ये कोई ऐसा बात ठहरता नहीं कि ये अभी तो बच्चा है, ऐसा नहीं। प्रभुपाद जी ने कहा क्या बालक है, क्या वृद्ध है, क्या युवक है, क्या युवती है, क्या पुरुष है, क्या स्त्री है, क्या ऐसा बात चलता ही नहीं। तुरंत भजन करना शुरू हो, जो जिस अवस्था में जो जिस पोजीशन में अभी पहुंचा है, जो जिस पोजीशन में है वहां से आगे बढ़ने का कोशिश करें। जो जिस पोजीशन में वहां से भगवान का ओर जाने का प्रयास प्रचेष्टा करें। क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब चले जाए। निश्वासे नैव विश्वास कदा रुद्ध भविष्यति कीर्तन्यो अतो बाल्यात् हरे नामैव केवलम्। निश्वासे नैव विश्वास कदा रुद्ध भविष्यति कीर्तन्यो अतो बाल्यात् हरे नामैव केवलम् लिखा हुआ है। इसी वक्त जो जिस पोजीशन में बैठा हुआ है, जो जिस पोजीशन में है, हर कोई के लिए अभी इसी वक्त हर आदमी का हरिभजन करना शुरू करना उचित। मूर्ख आदमी कहता है कि महाराज अभी आनंद का जिंदगी चल रहा है, भोगों का जिंदगी चल रहा है, थोड़ा एंजॉयमेंट कर ले, बाद में अंतिम में जब बुढ़ापा आए तो भजन करें। लेकिन प्रहलाद महाराज जी ने ऐसा नहीं बताया। कौमरे आचरत प्राग्गो धर्मान भगवता नहीं हो, प्रहलाद महाराज जी ने बताया कौमार काल बचपन से जब होश संभाला, जब से होश आया तब से हरि भजन करना जरूरी है। ये ठीक नहीं है कि आज का दिन मजे का दिन है, थोड़ा आनंद ले ले, बाद में देखा जाए। क्योंकि टाइम इज लाइफ। पापा जी ने कहा है कि टाइम इज लाइफ। हर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हमारा आयु छह हो रहा है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, टाइम गॉन कैन नॉट कम बैक अगेन। जो समय आज जा रहा है, जितना भी चीखो चिल्लो कुछ भी करो, ये समय और वापस नहीं आने वाला। गया तो गया महाराज, जो गया तो गया, जो समय जा रहा है, जितना भी कुछ प्रयास प्रचेष्टा कर लो चीखो चिल्लो, इस समय वापस नहीं आने वाला। ये तमाम दुनिया क्षणभंगुर, ये समझ के
जिंदगी का एक क्षण, जिंदगी का एक क्षण भी हरि भजन बिना जीने का कोशिश ना करे। हरि भजन हर हालत में चालू रखे, चाहे पैसा का कमी है, चाहे प्यार का कमी है, कुछ भी है, लोकबल का कमी है, कुछ भी है, कुछ भी चारों ओर का परिवेश कुछ भी है, लेकिन हरि भजन करना हर हालत में उचित है, छोड़ना। श्रील सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर जी ने एक कीर्तन लिखा है, मेरा जैसा मूर्ख गाधा के लिए, जीवन समाप्ति काले करीब भजन एवे करी गृह सुख, कखनो एक कथा नहीं बोले विज्ञ जन ए देहो पतनोन्मुख। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा है, जीवन समाप्त काले करीब भजन एवे करी गृह सुख, एक कथा नहीं बोले विज्ञ जन ए देहो पतनन मुख। साठ हजार साल भजन करने के बाद सौहरी ऋषि ने सारे गंवा दिया एक पल भर में, साठ हजार साल भजन करने के बाद सारे एक पल भर में गंवा दिया। दुनिया का सबसे बड़ा समस्या है कि ये लोग जानता ही नहीं को साधु है वास्तव कौन, को धोखेबाज है, सबसे बड़ा मक्कार कौन है ये जानता ही नहीं। अगर थोड़ा वो जानता भी है लेकिन मानता नहीं, क्यों? अगर मानने जाए तो उसका लाभ पूजा प्रतिष्ठा का कमी पड़ जाएगा, इसलिए शुद्ध गुरु वैष्णव का संग करना नहीं चाहता, जबकि मालूम है फिर भी करना नहीं चाहता। हर जीवात्मा अपना स्वरूप सिद्धि के लिए प्रयास प्रचेष्टा करे, वास्तविक रूप से चेष्टा करे, निष्कपट भाव से शुद्ध गुरु वैष्णव का सेवा करते हुए भजन में लगे रहे तो स्वरूप सिद्धि लाभ का जगता अवश्य मिले। गुरुवानुगत्व में प्रभुपाद कह रहे हैं, गुरुवानुगत्व में भजन करते करते धीरे धीरे पहले का प्राप्तन कर्म फल जब निशेष हो जाता है तभी सिद्धि लाभ होता है, भजन सिद्धि होता है, इसका पहले होना संभव नहीं। बड़ा हैरान की बात है, कल ये बात को उठाया था, भजन का स्वरूप सिद्धि क्या है। मेरा विनती है आप सभी के चरण में जी, आप समझने का कोशिश करें, धोखेबाजी में ना पड़े। एक सदगुरु का स्वरूप लक्षण क्या है, इतर राग अर्थात जो काम कामना वासना ये सब जो है बेकार की चीजें, इतर राग मतलब जो कृष्ण भगवान का भजन का साथ कोई ताल्लुका है नहीं, ये इतर राग तिरस्कार करके धिक्कार देके, धिक्कार इतर राग धिक्कार देकर जो कृष्णानुराग लेकर हरि भजन में भगवान को संतुष्टि विधान करने का प्रयास प्रचेष्टा में लगे हुए हैं, इतर राग तिरस्कारकारी, इतर राग को धिक्कार देके, इतर राग जो कामना वासना व्यासन ये सब को धिक्कार देके, तमाम इतर रागों को धिक्कार देके जो कृष्णानुराग प्रदर्शन करता है भगवान का सेवा में, ये शिव
गुरुदेव का स्वरूप गुण है, बाकी सब ततस्था लक्षण है, ये स्वरूप लक्षण है सदगुरु का। इसीलिए महाप्रभु जी ने बताए कि वा विप्रो कि वा नशी शूद्र कहने नय जय कृष्ण तत्ववित्ता सही गुरु है। ये कोई ये विप्र है, ये सन्यासी है, ये शूद्र है, ये सब बातें नहीं चल। जो कृष्ण तत्ववित्ता है वो गुरु है, ये गुरु है, गुरु का ये डेफिनेशन है। और काल ये तत्व भी बताया था, महाभागवतो श्रेष्ठो ब्राह्मणो वै गुरु नृणाम सर्वेशाम एवो लोकानाम अशो पूज्यो यथा हरि। महाभागवत श्रेष्ठो जो वैष्णव गुरु है सब कोई का पूज्य है। कैसा पूज्य है? जैसे भगवान पूज्य है ऐसा ही पूज्य है। और महाकुलो प्रसूतोपि सर्वयोगेषु दीक्षितः सहस्र शाखाध्यायी च न गुरु साद अवैष्णव। महाकुल में जन्म लिया है, सर्वयोगों में सर्वयोगेषु दीक्षितः श्राद्धाय अध्याय निरुद्धाय दान दक्षिणा फब के व्रत उपवास सब सर्वयोगेषु नाम योग आदि चंद्रायन व्रत सब युगों में हैं, सब दीक्षित है। और वेदों का सहस्र शाखा का अध्ययन अध्यापना कर चुका है, फिर भी ये गुरु का काम नहीं कर सकता है यदि अगर अवैष्णव है। काल ये बात को चर्चा करते हुए बताया, आदौ गुरु पदाश्रयो तस्माद् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। दुनिया का विचार है पहले गुरु का आश्रय ले लो, हैं? दुनिया का विचार है पहले दीक्षा ले लो, दीक्षा लेना मतलब आश्रय लेना। लेकिन शास्त्र का विचार है पहले अपना पतित अवस्था, अपना पेनफुल सिचुएशन, अपना ये बुरा हालत, अपना ये भयंकर शोचनीय अवस्था को महसूस करे। क्यों? महसूस करने से आपका अंदर में तत्व जिज्ञासा, मैं कौन हूं, ये विचार पैदा होगा। जब तक मैं कौन हूं तत्व जिज्ञासा का पैदा ना हो जाए तब तक गुरुचरण आश्रय लेके क्या करोगे, क्या करोगे? जब तक अनुभव ना हो जाए, ये जिंदगी दो पल का है, दो दिन का है, ये सब अनुभव होना जरूरी है, नहीं तो दीक्षा बेकार होता है। ये जीवन जिंदगी क्षणभंगुर है, दो दिन का जिंदगी है, क्या रखा है इसमें? कुछ नहीं है। नित्य आनंद बोल के कुछ नहीं है, दो पल का आनंद वो भी दुखों के सागर में डाल देता है। ये क्या करे? मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, ये अनुभव अर्थात तत्व जिज्ञासा तब तक ये तत्व जिज्ञासा जब तक पैदा ना हो जाए हृदय में तब तक आत्मसमर्पण करने का अर्थात सदगुरु वैष्णव का चरण में समर्पित आत्मा होने का कोई इच्छा नहीं होगी, कोई इच्छा नहीं होगी। सो सदगुरु प्राप्त होने से श्रद्धावान आश्रय लेने वाला जो व्यक्ति है वो निष्कपट रूप से परम विश्वास के साथ जो कृष्ण भजन करने से सब कुछ हो जाता है।
जथा तरुर मूल निशेच नेन तिप्पन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारश्च जथेन्द्रियाणाम तथैव सर्व अर्हणम अच्युतेज्या। कृष्ण भजन करने से हमारा कोई भी ड्यूटी जुमा नहीं रहता है, सारे मिट जाता है। तो ये निष्कपट रूप से परम विश्वास का साथ गुरु सेवा करना जरूरी है। और मैंने पहले भी बताया, बात को खुलासा किया, कोई अगर कहे मारा लिखा है आश्रय लेने का पहले सेवा ही तो नहीं होता है, ठीक है, ठीक है, ये बात सही है, आश्रय लेने का पहले सेवा नाम का कोई विषय आता ही नहीं। आश्रय लोहिया भजे तारे किश्व नहीं तजे आशव मर्या कर। आश्रय लेना ये बड़ा बात है, लेकिन आश्रय लेने का अगर बहाना करे तो, अगर आश्रय लेने का किसी ने बहाना किया 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, 40 साल हो गया गुरुचरण आश्रय लिया, लेकिन भजन का कोई तरक्की है नहीं, कुछ नहीं है, जीरो, जीरो तो अच्छा है, उसे भी पीछे चला गया, अपराध करते करते वो पीछे चला गया। तो इस आश्रय लिया है जो दावा कर रहा है, ये तो वास्तव वास्तव आश्रय नहीं है, वास्तव आश्रय तो नहीं है ना, क्योंकि वो आश्रय लिया ही नहीं, ऐसे ही दिखा हो गया, ऐसे दिखा हो गया, ऐसा मापिक दिखा का कोई कीमत है नहीं। पोपत कह रहे हैं तथाकथित दीक्षा और वास्तव दीक्षा में अनंत पार्थक्य है, वास्तविक दीक्षा और तथाकथित दीक्षा दोनों एक जैसा लगता है लेकिन एक नहीं है। वास्तविक दीक्षा के द्वारा संपूर्ण शरणागत मतलब आत्मसमर्पण जिन्हें किया है, समर्पित आत्मा कोई व्यक्ति का दीक्षा होता है, वास्तविक दीक्षा होता है, मतलब इनके हृदय में दिव्य ज्ञान का परिस्फुरण होता है। और तथाकथित दीक्षा के द्वारा दीक्षा का मापी के क्रिया दिव्य ज्ञान यतो दद्यात कुर्यात पावश्य संशयम, दिव्य ज्ञान पैदा नहीं हुए, दिव्य ज्ञान पैदा नहीं हो पाया, लेकिन मेरा दीक्षा 40 साल हो गया, ये हो ही नहीं सकता। दिव्य ज्ञान के दूर की बात है, कॉमन सेंस तक नहीं हो। मैंने लिखा था एक प्रतिवाद का किताब में, दिव्य ज्ञान तो दूर की बात है, दिव्य ज्ञान दूरेर कथा, कांडो ज्ञान ही होलो ना, कांडो ज्ञान भी हुआ नहीं, कॉमन सेंस भी नहीं है, ऐसा दीक्षा का कोई कीमत है नहीं। ऐसा दीक्षा के द्वारा क्या होता है, अगर कोई पूछे महाराज ऐसा दीक्षा तो मेरा जिंदगी में हुआ है तो फिर क्या होगा, पोपत कह रहे हैं ऐसा दीक्षा के द्वारा भगवत सेवा में अधिकार नहीं मिलता है, ऐसा दीक्षा के द्वारा, ऐसा दीक्षा के द्वारा भगवत सेवा में अधिकार नहीं बनता है। तो क्या होता है, कुछ सुकृति होता है, सुकृति होता है, वो सुकृति भगोन्मुख सुकृति भी हो सकता है और सेवनमुखी सुकृति भजनमुखी सुकृति हो सकता है,
और भोगोन्मुखी शुक्ति, ये डिपेंड करता है ये बंदा क्या चाहता है। ये अगर कपट भाव ले से गुरु वैष्णव के साथ सेवा करने का बहाना करे, उल्टा पलटा इसका भोगोन्मुखी सुकृति बन जाएगा। वो करोड़ों करोड़ों रुपया इकट्ठा करेगा, विदेश में घूरेगा, मजा लेगा, यही होगा उसका, यही होगा और कुछ नहीं होगा। वो धोखेबाजी किया और खुद धोखेबाजी में फंस गया। गुरु वैष्णव के साथ धोखेबाजी किया, गुरु वैष्णव के साथ धोखेबाजी किया, सो ये धोखे में फंस गया। पैसा आते रहेगा, इज्जत देगा आदमी, अरे महाराज आप ही तो सब कुछ हो, आपसे बढ़कर कोई है, और घूमते रहेगा इधर उधर देश विदेश, सब मजाक लूटते रहेगा, बस हो गया। ये भोगोन्मुखी सुकृति। और भक्तिन्मुखी सुकृति मतलब जो गोस्वामी महाराज जी, श्रील वन गोस्वामी महाराज जी, श्रील भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, ये सब जो सेवा किया है प्रभुपाद का, प्रचार सेवा। प्रचार सेवा क्यों? क्यों ये प्रभुपाद का आज्ञा पालन करने का कोशिश किया है, इसलिए प्रचार सेवा। प्रभुपाद का आज्ञा पालन करने का कोशिश किया, इसलिए प्रचार सेवा। ये लोग का जिंदगी में रुपया पैसा इज्जत लाभ पूजा पर बहुत सारे ढेर इकट्ठा करने का पूरा माहौल बन गया था, लेकिन फिर भी ये लोगों ने लिया नहीं। गोस्वामी महाराज जैसा इतना बड़ा प्रचारक देखो, सब प्रचार करने के बाद प्रभुपाद जब चला गया पास, बन महाराज जी देखो क्या करे, कोई सुनने वाला नहीं है। तो समर्पित आत्मा अगर कोई हो जाए, बाहरी दृष्टि में अभी तक दीक्षा नहीं, लेकिन समर्पित आत्मा हो गया, होके मैं गुरु जी का हूं ऐसा हो गया, होके धीरे धीरे चेष्टा कर रहा है, उसके बाद गुरुचरण में प्रार्थना करे जो हमको बचा लो, गुरुदेव का सेवा करने का प्रयास प्रचेष्टा करे, अंतर से गुरुदेव को प्रसन्न करके श्री गुरुदेव के सामने प्रार्थना करना, हे गुरुदेव हमको आप ग्रहण करे दीक्षा के द्वारा, दीक्षा दे दे। और दीक्षा लेने का बाद तो पक्का सेवा तो बैठ जाएगा। जो लोग केवल कपट भाव आश्रय करके दीक्षा लेने का जरूरी है नहीं ऐसा बोलकर कपट कीर्तन पाठ करके मजा लूट रहा है दुनिया में, अपने को वैष्णव बल के परिचय देता है, ये लोग वास्तविक रूप से आत्मवंचक अर्थात अपने को ही धोखा दे रहा है। कोई आदमी ऐसा भी कहे, महाराज जरभरत जी का कहां दीक्षा हुआ है, इसका जो इतना सुंदर दिव्य ज्ञान हुआ, सब कुछ हुआ, जरभरत जी का दीक्षा का कोई प्रसंग दिखाई नहीं पड़ता किसी जगह। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, जरभरत जी पूर्व जन्म में भरत महाराज ये बहुत सारे प्रसंग हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ने लिखा है, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने लिखा है, भरत महाराज जी पूरा दुनियादारी का राजपाट सब छोड़कर जहो मतलब त्याग किया, मल मूत्रों जैसा, जहो मलबत मतलब
मल मूत्र जैसा त्याग करता है आदमी, ऐसा त्याग करके भजन में आ गया। और महाराज ज्ञान मिश्र भक्ति पुलह आश्रम में बैठ के भजन करते करते सिद्धि का किनारे में आ गया। और उसका बाद भगवान का एक परीक्षा आ गया सामने, वह है हिरण, हिरण शिशु का रूप लेकर भगवान ने एक परीक्षा ले लिया। हिरण शिशु का ऊपर इतना अटेंशन चला गया अशक्ति कि अपना भजन खराब हो गया। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने कहा कि महाराज ये भगवान का परीक्षा था। जरभरत जी का जिंदगी में ऐसा एक परिस्थिति पैदा करके इसका अंदर में, हृदय का अंदर में भगवत प्राप्ति के लिए एक भयंकर प्रबल उत्कंठा, प्राप्ति कराने के लिए एक भगवान इच्छा करके एक सामने हिरण शिशु का रूप में व्यवस्था कर दिया। उसका भरत जी महाराज भजन किया है पुल्हाश्रम में, भजन का सिद्धि का किनारे में आ गया था लिखा हुआ है। उस जन्म में तो दीक्षा का प्रसंग जरूर हुआ होगा, बिना दीक्षा कोई तो भजन नहीं करता, तो लिखा हुआ है भजन का जो व्यवस्था लिखा हुआ है इतना सुंदर। सुबह में उठकर कैसा क्या करते थे, अरुणोदय में पानी के अंदर में गंडकी नदी में गले तक पानी लेकर जब ध्यान करते थे, कितना सुंदर। तो ये प्रबल उत्कंठा को पैदा कराने के लिए प्रबल उत्कंठा को पैदा कराने के लिए भगवान ने एक परीक्षा ले लिया, विश्वनाथ चक्रदेव लिखा। और इसी महाराज जी ने अगले जन्म में वो भी हिरण शिशु बनकर पैदा हुआ। जंग जंग व्यापी शरण भावम त्यजति अंत कलेवरम, ये जो लिखा हुआ है इसका अनुसार हरण भाव। ये हिरण शिशु भी वही कालंजर प्रदेश से पुल्हा आश्रम में आकर अंतिम समय में सूखा पता पता खाके अपना जिंदगी का गुजारा करते थे। और अंतिम में गंडकी नदी में जहां सालग्राम पैदा होता है अपना शरीर छोड़ दिया। और आगे चलकर अंगिरस गोत्रियो एक ब्राह्मण का परिवार में जरभरत रूप में पैदा हुआ। वो अपना भजन का प्रभाव के कारण पहले जन्म का जो स्मृति है भूला नहीं। भागवत जी महापुराण में प्रसंग आता है, जर भरत जी बातें करना बंद कर दिया, लोगों का सामने गुंगा भैरा ऐसा नाटक करते थे, क्योंकि इनके हृदय में इस बात का अफसोस अक्सर हुआ करता था कि मैंने भरत महाराज
था और मैंने भजन किया, सिद्धि का किनारे आ गया। बाद में एक हिरण शिशु का संग होने के कारण मेरा हिरण जन्म हुआ, बेकार हो गया, और तीसरा जन्म अभी मैं जर भरत रूप में जन्म हुआ और मैं किसी का संग नहीं करना चाहता। मेरा पहला जन्म, दो जन्म बेकार हो गया, खराब हो गया। ये जर भरत का अंदर में पहले 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 जिंदगी का, अर्थात मैं भरत महाराज था, मैं हिरण शिशु का रूप में पैदा हुआ, क्योंकि पहले जन्म में भजन खराब हो गया था, हिरण शिशु का बच्चा का संग के कारण अब मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। अब ऐसा प्रश्न करे कि महाराज जर भरत जी का जिंदगी में, जर भरत जी का जिंदगी में तो भजन नहीं दिख, किसी का आश्रय दिखा, दिखा का प्रसंग नहीं है। भक्तिवीन ठाकुर जी ने कह रहे हैं, कोई अगर सिद्ध व्यक्ति का जिंदगी में कुछ ऐसा दिखाई पड़े, जैसे षठोकोप का बारे में मैंने बताया था, पोपा ने एक आर्टिकल भी लिखा है षठोकोप रामानुजाचार्य का खानदान में, विश्वक्षेन का अवतार है, तो बात कह रहे हैं कोई सिद्ध व्यक्ति का जिंदगी में अगर दीक्षा का प्रसंग, अगर कोई दीक्षा का प्रसंग दिखाई नहीं पड़ता है, ये उदाहरण ग्रहण करना उचित नहीं है। मतलब ये उदाहरण, ये जो एग्जाम्पल है, उदाहरण के रास्ते में चलना उचित नहीं। चलो भक्ति विनोद ठाकुर का जिंदगी में देख लो, भक्ति विनोद ठाकुर का जिंदगी में आप देख लो क्या लिखा है। बाहरी दृष्टि से हमने प्रमाण का साथ कहने का प्रयत्न करें। श्रीला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी का जिंदगी में दीक्षा लेने का पहले, दीक्षा तो दूर की बात है, दीक्षा लेने का पहले इतना सारे किताब, पारमार्थिक किताब लिख दिया, विश्वास नहीं होता है? सारे प्रमाण दिखा देंगे हम। श्रीला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी के जिंदगी में अगर देखा जाए तो दीक्षा का पहले ही कितना सारे पारमार्थिक किताब लिख दिया, ये कैसे संभव है? ये तो संभव नहीं है, क्योंकि साधारण नियम है गुरुचरण आश्रय करे, गुरु कृपा के द्वारा तमाम शास्त्रों का विचार हृदय में बैठता है। यहां तक कि कृष्ण बलराम जो भगवान है, जो कृष्ण बलराम साक्षात भगवान है ना, कृष्ण बलराम के जिंदगी में अब देखो तो गुरुकुल में संदीपनी मुनि का आश्रम में सेवा करके गुरु जी को प्रसन्न करके गुरु जी का कृपा लेने का प्रयत्न किया है, गुरु जी का कृपा लेने का प्रयत्न किया है ना। ये भगवान है, फिर भी गुरुचरण का सेवा करते हुए ये दिव्य ज्ञान प्राप्ति करने का बहाना दिखाया। ये तो बहाना ही है, क्योंकि भगवान का ज्ञान तो स्वतःसिद्ध है, भगवान को कौन ज्ञान दे, भगवान तो स्वतःसिद्ध ज्ञान है। सिर्फ इतना ही नहीं, अंतिम समय में गुरुकुल से जाने का समय में संदीपनी मुनि कृष्ण बलराम का मस्तक में हाथ रखकर आशीर्वाद किया, अया तो याम तुम्हारा कभी भी शास्त्रों का विचार का कमी नहीं होगी। तमाम शास्त्रों आपका हृदय में, आप हृदय में प्रकाशित हो जाएगा।
तमाम शास्त्रों का जो विचार है निचोड़ है, वेद वेदांतो आदि उपनिषद सारे संदीपुनी मुनि आशीर्वाद की दे, तमाम शास्त्रों का विचार तुम दोनों का हृदय में प्रकट हो जाए, प्रकट हो जाएगा। ये है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा विप्रो का प्रसंग में भागवत जी महापुराण में आता है महाराज, ये प्रसंग भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सुदामा विप्रो को, गुरोरनुग्रहेणैव पुमान पूर्ण प्रशांत, गुरोरनुग्रहेणैव पुमान पूर्ण प्रशांत, गुरुर अनुग्रह एवं निश्चित रूप में, निश्चित रूप ने अकीन मानो, निश्चित रूप में ये विश्वास करो ये गुरु अनुग्रह के द्वारा शिष्य का हृदय में प्रशांति विराज करता है। प्रशांत मतलब जिसका हृदय में तत्व ज्ञान शास्त्र ज्ञान तमाम दुनिया का भरपूर भक्ति प्रशांति तब आता है। और एक उदाहरण दे दे, गुरुदेव अगर असंतुष्ट हो जाए, और कई दो चार उदाहरण दे दे जिसके द्वारा आप समझ जाओगे कि गुरु प्रसन्न नहीं होने से, अप्रसन्न होने से दुनिया में किसी जगह मेरा कोई चांस नहीं, कोई स्थान नहीं। जुष्यो प्रसादात भगवत प्रसादो, जुष्यो अप्रसादात नागतिगुतोपि, नागतिगुतोपि है ना, जुष्यो प्रसादात भगवत प्रसादो, जुष्यो अप्रसादात नागतिगुतोपि, जुष्यो प्रसादात भगवत प्रसादो, जुष्यो अप्रसादात नागतिगुतोपि, ध्यान स्तुवं स्तस्यो जसस्य संन्याम वंदे गुरोसि चरणारविंद। माधवेन्दु पुरीपाद जैसा भगवान का पार्षद है ना, शिला माधवेन्दु पुरीपाद जैसा भगवान का पार्षद है, इनके चरण में आश्रय लेते हुए भी जिंदगी बेकार हो गया रामचंद्र पुरी का। क्यों? गुरु जी इसका ऊपर प्रसन्न नहीं है, ये तो एक ही गुरु है जिनके चरण में ईश्वरपुरीपाद जी आश्रय लिया है, लेकिन ईश्वरपुरी जी का हृदय में माधवेन्द्र पुरीपाद जी का जितना सारे संपत्ति है सारे दे दिया। गुरु जी का हृदय में जो संपत्ति का खजाना है सारे ईश्वर पुरीपाद का हृदय में धर दिया। एक ही तो गुरु है माधवेन्द्र पुरीपाद भगवान का निजी जन है। गुरु अप्रसन्न होने से सदगुरु, जो गुरु कपट गुरु है, जिसका कोई गुरुत्व तो नहीं है, जो नाम का गुरु है, जो नाम का ही गुरु है, जिसका कोई गुरुत्व तो नहीं है, इस गुरु का कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू है नहीं। शास्त्र में कई कई जगह ऐसा वर्णना है, अवैष्णव मुखोपदिष्टम मंत्रेण निरयं भजेत, अवैष्णव मुखोपदिष्टेन मंत्रेण निरयं भजेत, पुनश्च विधिना ग्राहेत वैष्णववाद गुरु, देखा है। और हमारा द्वादश महाजन का एक महाजन है पितामह भीष्म, वो भी लिखा है, क्या लिखा है, जो गुरु क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका कोई विचार ही नहीं बनता है जिसका हृदय में, जो उत्पात मचा रहा है, जो उत्पात मचा रहा है, उत्पत प्रतिमान्यो परित्याग विधि यते,
जो गुरु उत्पात का रास्ता दिखाता है, जो गुरु का कोई ज्ञानी नहीं है क्या उचित क्या नहीं उचित, जिसका हृदय में ऐसा कोई ज्ञानी नहीं है, जिसका हृदय में क्या उचित है क्या नहीं उचित है कोई ज्ञानी नहीं है, ऐसा गुरु क्या काम का है। ऐसा गुरु क्या काम क्या है, ये गुरु तो त्याग करना चाहिए, ये तो नियम है। गुरु प्रसन्न होने से सब कुछ होता है, इसलिए गुरुदेव को प्रसन्न करके श्री कृष्ण मंत्र दीक्षा ग्रहण करना और भजन शिक्षा करना जरूरी है। तो किसी सिद्ध महात्मा का जिंदगी में अभी इस जन्म में कोई दीक्षा का, क्योंकि दीक्षा शरीर का ऊपर इसका असर तो पड़ता ही है, लेकिन दीक्षा आत्मा का साथ संबंधित है, ध्यान दे, दीक्षा आत्मा का साथ संबंधित है, जीवात्मा का साथ। शरीर तो एक छिलका है, जब भी शरीर का ऊपर भी असर पड़ता है, भजन करने का साथ साथ चेंज होता है सारे, लेकिन दीक्षा का साथ आत्मा का संबंध है, दीक्षा का साथ आत्मा का संबंध है। प्रहलाद महाराज जी का प्रसंग देखा जाए तो गर्भ में, मातृ गर्भ में रहते समय दीक्षा हो गया, मतलब भगवत तत्व तो सुनते सुनते नारद जी से दिव्य ज्ञान, बहुत सारे प्रसंग आता है। गुरु अप्रसन्न होने से कुछ नहीं होता, गुरु और इस बात पर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि ये तत्त कर्म प्रवर्तनात् उत्साह निश्चात दैज्ञा तत्त कर्म प्रवर्तनात्, ये जो श्लोक का उपदेशामृतों का एक एक शब्दों का चर्चा चल रहा है, उत्साह निश्चात दैज्ञात सारी चर्चा हो गया, तत्त कर्म प्रवर्तनात् के अंदर में गुरुचरण आश्रय लेने का ये प्रसंग आता है। जीव गोस्वामी पाद जी ने लिखा है, अगर पिछले बहुत दिनों से साधु संघों का बहाना कर रहा है, मंदिर में जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन गुरुचरण आश्रय का जरूरी अभी तक समझा नहीं, जीव गोस्वामी कह रहे हैं ये सत्संग किया ही नहीं। जीव गोस्वामी पद कह रहे हैं अगर ऐसा हालत है तो ये जरूर समझ ले कि दीक्षा लेने का अगर कोई जरूरी है दीक्षा लेना, ये महसूस नहीं कर रहा है अभी तक भी, तो यूं समझ ले कि ये सत्संग किया ही नहीं, यूं समझ ले कि ये सत्संग किया ही नहीं, ये बहाना बनाया सत्संग का। क्यों? क्योंकि सत्संग का महिमा ही ऐसा है, सत्संग का महिमा ही ऐसा है, सत्संग का महिमा ऐसा है कि सत्संग करने का साथ साथ अपना चरम मंगल प्राप्ति करने का इच्छा पैदा होती है और सद्गुरु का चरण में आश्रय लेने का जरूरी महसूस करता है। अगर ना करे तो ये सत्संग किया नहीं, ये नाटक है। तो तत्त कर्म प्रवर्तन का अंदर में श्री गुरु सेवा और दीक्षा ग्रहण का विषय में क्या उचित क्या नहीं उचित
तमाम चीजों को चर्चा करने का हमने कोशिश की। एक बात और एक बात मैं दोबारा बताना चाहता हूं कि किवा विप्रो किवा न शिशुद्र कहने नये जय कृष्ण तत्वपिता सही गुरु है। महाप्रभु जी ने बताया क्या विप्र है ब्राह्मण कि सन्यासी है कि शूद्र है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये कृष्ण तत्ववेत्ता है, ये गुरु है, ये गुरु है, मतलब ये इसका अंदर में दिव्य ज्ञान है, ये गुरु है। तो कोई अगर माताजी का हृदय में, कोई अगर माताजी का हृदय में तत्वज्ञान परिपूर्ण रूप में विराजमान है तो क्या ये गुरु नहीं है? जरूर ये भी गुरु है, ये भी गुरु है, इसके अंदर में तत्वज्ञान है। शबरी मैया का हृदय में गुरु कृपा के द्वारा तत्वज्ञान अगर नहीं पैदा हुआ होता तो शबरी मैया का अंदर में इतना पेशेंस, धैर्य कहां से आता? गुरु वाक्य में विश्वास, शास्त्र वाक्य में विश्वास, यही तो भजन का आधार है, यही तो भजन का मूल है। शबरी मैया का अंदर में दिव्य ज्ञान अगर पैदा नहीं हुआ होता तो रामचंद्र का दर्शन कैसे हुआ, कैसे होता, कैसे संभव होता कि रामचंद्र ने शबरी मैया का सेवा को ग्रहण करे, कैसे संभव होता? तो शबरी मैया हर हालत में गुरु का काम कर सकता है ना, गुरु का काम कर सकता है, लेकिन शबरी मैया दिखा देने के लिए तैयार नहीं, दिखा देने के लिए कभी प्रयास प्रचेष्टा की नहीं। शिला सच्चिदानंद भक्ति में ठाकुर का जिंदगी, ये महापुरुष अगर कोई कहे भक्ति में ठाकुर का प्रसंग को उठाए, भक्ति में ठाकुर जी दीक्षा लेने का पहले ही कितना सारे पारमार्थिक किताब लिख दिया, कैसे हो संभव है? गुरु कृपा के द्वारा दिव्य ज्ञान आता है, तमाम शास्त्रों में विचार बैठता है, तब ग्रंथ लिख पारमार्थिक किताब लिखना संभव है, लेकिन इन्होंने लिख दिया। और कोई विद्या विनोद प्रभुपाद के कृपा के द्वारा इतना सारे किताब लिखा कि गौड़ीय समाज में ऐसा राइटर रेयर है, नहीं है। लेकिन जब प्रभुपाद को छोड़ दिया, अपराध किया, यही व्यक्ति ने, ये एक ही व्यक्ति बस उल्टा पलटा उल्टा पलटा, तमाम दुनिया का कचरा भर दिया, तमाम दुनिया का कचरा इसमें भर दिया, वही व्यक्ति ने लिखा अचिंत विदावेद बाद गौड़ीय तीन ठाकुर सारे हैं, हरिनाम का बारे में इतना मोटा लिख, सारे चिल्ला चिल्ला कर हरिनाम लेना माना है, अपराध है, सारे लिख दिया। एक ही व्यक्ति अपराध करने के बाद पूरा उल्टा हो गया, हुआ ना? तो इसका दीक्षा का प्रसंग होने का बाद भी दीक्षा हो गया था, बस छूट गया दीक्षा, माना दिव्य ज्ञान प्राप्ति होने का बाद भी ये डूब गया, ये डूब गया दुनिया का सागर में, नरक में डूब गया ना। ये लोग प्रभुपाद को छोड़कर दूसरा गुरु का आश्रय लिया, आश्रय लिया। क्या करे? तो दिव्योज्ञान होने का बाद भी दिव्योज्ञान छूट सकता है, ये डिपेंड करता है हमारा अंदर में कैसा स्पर्धा है, कैसा स्पर्धा हमारा अंदर में, ये स्पर्धा रहे मैं गुरुदास हूं वैष्णव का दास हूं इसमें कोई हर्जा नहीं है,
लेकिन हमारा अंदर स्पर्धा रहे गुरु बसपा कुछ भी नहीं है, बेकार है, बस हो गया। ये लोग कानुप्रियो बाबा, कानुप्रियो बाबा बोल के एक बड़ा संत का आश्रय लिया समानंद परिवार का अंदर, प्रभात को छोड़ दिया था। और भक्तिविनोद ठाकुर का विचार बताए, भक्तिविनोद ठाकुर जी उस जमाने में ऐसा हालत था को कुछ है ही नहीं, गौड़ीय समाज में ऐसा हालत था, हम नाम नहीं बताना चाहता है, बागनापाड़ा का लिंक लेकर किसी का पास दीक्षा ले लिया लिया, लेकिन बाद में भक्तिविनोद खुद बोला जो गुरु था वो चला गया, बाहरी विचार में भक्तिविनोद ठाकुर जी का जो दीक्षा का प्रसंग है विचार करे तो पागल हो जाओगे। क्यों? ये तो भक्तिविनोद ठाकुर गौरकिशोर बाबा जी महाराज बताया ना, ये तो गौरंग महापू का पार्षद गौरकिशोर बाबा जी महाराज स्वयं बताया भगवती माँ को, आप नवद्वीप में किस लिए आए हैं? बोले महाराज आपका दर्शन, हमारा दर्शन के लिए, आपका घर में गौरंग महापू का पार्षद पैदा हुआ है, आपका घर में, आप वो छोड़कर इधर आए हो नवद्वीप में, हम सोचा आप कोई एक कपड़ा चुपड़ा खरीदने के लिए आए हुए आई हो, ऐसा बहुत सारे प्रसंग है। हरि कथा अगर आपने सुना है तो आपको पता है भक्तिविनोद ठाकुर जी का गुरु, भक्तिविनोद ठाकुर जी का सर पे अपना चरण रखने का स्पर्धा किया, और विमला प्रसाद उस समय में 7 साल का बच्चा, वो चिल्ला चिल्ला कर बोल दिया, आप सोचते हो कि आपका अंदर विमला प्रसाद, ये बच्चा 7 साल का बच्चा चिल्ला चिल्ला कर बोलना, आप समझते हो कि आपका अंदर में क्षमता है कि इन महापुरुष का सर पे पैर धरो, आप सोचते हो कि आपका अंदर में इतना हिम्मत है कि ये महापुरुष का सर पे अपना पैर धरो, सावधान, ये बच्चा ने बोल दिया। बहुत सारे राइटिंग है भक्तिविनोद ठाकुर का, हम दिखा देंगे आपको तो पता चलेगा। तो बाहरी दृष्टि में एक महापुरुष का दीक्षा का प्रसंग है नहीं है, ये तो महापुरुष है, पहला अलवार जो है जिसको भगवान ने साक्षात, पहला अलवार 53 अलवार, ये तो नीचा खानदान का चांडाल, इसका ऊपर कैसे क्या हो गया, क्या क्या बात है, कैसे समझे? तो इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया कोई शुद्ध महात्मा का जिंदगी में अगर कुछ दिखा का प्रसंग नहीं दिखाई पड़ता है, दिस शुड नॉट बी आवर एग्जाम्पल। ध्रुव महाराज यही शरीर को लेकर ध्रुव पथ को चले गए, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी ध्रुव महाराज का माफिक यही शरीर लेके जाने का प्रयास प्रचेषा करें, ऐसा ठीक नहीं है। और मैं काल बताया था बड़ा हंगामा चल रहा है समाज में, परम पूज्यपाद श्रीधर गोस्वामी महाराज का एक ब्रह्मचारी है, नाम मैं भूल गया, गुरुजी जाने का बाद इन्होंने अलग से मठ बनाया, भजन करने का कोशिश की, ये आपका बजबज बोल के एक जगह है गंगा का सहारे, वो मंदिर में वो भी ब्रह्मचारी वो भी चला गया जगत से, जाने का बाद एक माता जी का इतना स्पर्धा है, वो दीक्षा हरिनाम और सन्यास देना भी शुरू कर दिया, लाल कपड़ा सन्यास, ये सब कहाँ से, सब कोई नहीं है, हमारा अभी का विश्व वैष्णव रसभा एक दिखावा है, ये नाटक है, कुछ नहीं है, सब गया, कोई किसी को भूलने वाला, जो लोग हरामखोर है बदमाश है वो लोग
जो इच्छा वो करे, विश्व वैष्णव राज सभा और सरस्वत गौरी संघो, ये सब जाके देखो कौन कौन मेंबर है। हंसते हंसते लुटपुट हो जाओगे। जो रक्षक बन के बैठा हुआ वही भक्षक है। ये रक्षक बन के बैठा हुआ है, ये भक्षक है, सारे लूट रहा है, ऐसा स्थिति है। कोई बोलने वाला नहीं, सब अपना अपना चल रहा है। कोई अगर बोले तो उसका विरुद्ध में जाओ, क्यों सच्चा बोल रहा है, झूठा बोलना चाहिए था उसको, है ये वैष्णव है ना, हम लोग को मीठा बात बोलना चाहिए, है झूठा बोलना चाहिए हम लोगों को, ऐसा चल रहा है, वो संन्यास दे रहा है। तो इस प्रसंग में एक महाराज वेदांत समिति से मेरा पास आया और कई बार इस विषय पर चर्चा किया। हम बोला महाराज देखो, हम तो प्रतिवाद करते करते, आप जानती हो वैष्णव लोगों का आज्ञा, वैष्णव लोगों का आज्ञा लेकर मैंने ये सब किया, अपना अपना मनमानी नहीं किया, फिर भी देखो कोई मेरा मेरा पीछे नहीं है, सब अपना अपना लूट रहा है, लुटेरा है, ये लुटेरा है, सब लूट रहा है, एक पैसा इस विषय में खर्चा करना नहीं चाहता। अगर हमारा करोड़ों करोड़ों रुपया होता, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता, रहने से मुश्किल है, तो मैं भक्ति विनोद ठाकुर का विचार के अनुसार ये लोगों का साथ ये विचार करने का विषय में खर्चा कर देता। विचार भक्ति विनोद ठाकुर बोलते थे, यही भक्ति है, यही भक्ति है। तो ये माताजी लोगों का विषय है। काल वेदों का एक काल याद है, वेदों का ए भागवत जी महापुराण का एक विचार बताया था। काल हमने ये बात को उठाया था भागवत जी महापुराण का, स्त्री शूद्रो द्विजो बंधूनाम त्रयी न श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मुरानम श्रेयो एवं भविद इहो इति वारतम अख्यानम कृपया मुनिना कृतम। काल ये हमने बताया था, स्त्री शूद्रो द्विजो बंधूनाम त्रयी न श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मुरानम श्रेयो एवं भवेद इहो इति भारतम अख्यानम कृपया मुनिना कृतम। स्त्री शूद्रो द्विजो बंधु मतलब पतित ब्राह्मण, पतित द्विजो जो आचार आचरण कुछ नहीं है ऐसा ब्राह्मण, ये सब व्यक्तियों को वेदों में अधिकार नहीं है, वेद वेदांत उपनिषद में अधिकार नहीं है, क्योंकि ये लोग वेदों का तात्पर्य अनुभव करने में असमर्थ है। तात्पर्य संगम, इसीलिए वेदव्यास जी कृपा करके महाभारत रचना किया। इसमें तर्क वितर्क आ सकता है, क्योंकि वैदिक युग में ध्यान दे इस बात कर, मैंने अन्याय व्यतिरिक्त दोनों तरफ से विचार करना चाहता हूं, एक तरफ से नहीं है। वैदिक युग में मैं ये विचार करना चाहता हूं, गुरु वैष्णव का कृपा के द्वारा, कि क्यों स्त्री शूद्रो द्विजो बंधु ये लोगों को वेदों में अधिकार नहीं है, क्यों क्यों नहीं है, क्योंकि भगवान तो सबको के लिए है। और वेदस्य ईश्वर आत्मोत्ता तत्र मुझ्यन्ति सुरयो, वेद और भगवान तो अलग नहीं है। तो भगवान गरीब का भगवान है, धनी का भगवान है,
स्त्री का भगवान है, शूद्र का भगवान है, सब कोई का है। सालबेग, सालबेग का कहानी है जगन्नाथपुरी में। सालबेग एक मुस्लिम बादशाह का लड़का है, माँ है ब्राह्मण ब्राह्मणी, उठा के लेके गया। ये बच्चा मुसलमान है, ये जगन्नाथ मंदिर में घुसने का कोशिश की। मैया भक्तिमती है, मैया का कृपा के द्वारा ये बच्चा इतना बड़ा भक्तिमान है, ये जगन्नाथ को देखने के लिए पागल हो गया, लेकिन उसको घुसने नहीं दिया। लेकिन सालबेग ने पुकार लगाया, सालबेग ने पुकार लगाया, ठाकुर जी आपका नाम है जगन्नाथ, आप जगत का नाथ हो, मैं जगत का बाहर नहीं हूं ना, मैं भी तो आपका जगत का अंदर हूं, तो मेरा दिखने का अधिकार क्यों नहीं है। जगन्नाथ ये पुकार सुनकर पतित पावन का रूप में दरवाजा का सामने आ गया, तब से पतित पावन खड़ा है जगन्नाथ मंदिर में। डायना बाजू मेन गेट सिंहद्वार, इसमें देखना जगन्नाथ का मूर्ति है, जगन्नाथ का मूर्ति है, ये पतित पावन तब से। तो ये प्रश्न आएगा, ये भागवत जैसा अमल प्रमाण है जो महाप्रभु जी ने खुद स्वीकार किया, ये श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम तत्वाधरण। तो ये भागवत जी महापुराण में क्यों ऐसा लिखा हुआ है, स्त्री शूद्रो दिजो बंधु ये लोगों को, पतित ब्राह्मण ये लोगों को वेदों में अधिकार नहीं है, क्यों ये लोग पकड़ नहीं पाएगा, क्यों नहीं पकड़ पाएगा, क्यों ये प्रश्न आता है, क्यों, क्योंकि वैदिक युग में, क्योंकि वैदिक युग में बहुत सारे ऋषि, बहुत सारे ऋषि ऐसा है माताजी, वैदिक युग में, वैदिक युग में, वैदिक युग में ऐसा बहुत सारे ऋषि है जो माताजी है, इन लोगों ने वेदों का ऋचा हम लोगों के सामने रख दिया, यहां तक कि कात्यायनी आदि बहुत सारे वेदों का ऋचा भी रख दिया, और हम लोग का प्रमाण है जाह्नवी माता ये दीक्षा दी, गंगा माता ठाकुरानी, हेमलता ठाकुरानी, अब इसका विचार क्या होगा। हाँ, इसका विचार होना जरूरी है, नहीं तो आदमी उल्टा समझेगा। भगवान निरपेक्ष है, भगवान निरपेक्ष है, भगवान का कोई ऐसा नहीं कि छोटा बड़ा है, ये ऐसा नहीं है भगवान का, भगवान का ऐसा विचार नहीं बनता। हरिदास ठाकुर को भी चैतन्य महाप्रभु जी ने सबसे बड़ा नामाचार्यों का पदवी दिया है, नाम का आचार्य है, इससे बढ़कर, इससे बढ़कर सम्मान किसका है, नाम का आचार्य, स्वयं नाम भगवान है, नामी और नाम अभेद है, नाम का ही आचार्य बना दिया। तो इसमें भगवान का छोटा बड़ा विचार नहीं बनता है, भगवान का पार्शियलिटी नहीं है, भेदभाव नहीं है, फिर भी ऐसा क्यों हुआ, फिर भी ऐसा क्यों हुआ। विचार ये है जाह्नवी माता ठाकुरानी का बारे में, या तो गंगा माता ठाकुरानी का बारे में, हेमलता ठाकुरानी का बारे में अगर विचार उठाए, तो ये लोग भगवान का सर्वशक्ति, ये लोग भगवान का सर्वशक्ति है, ये कोई जगत का माताजी नहीं है। और अगर ये लोग भगवान का सर्वशक्ति का कैटेगरी में है, ये लोग का विचार अलग है, दुनिया का कोई माताजी के साथ इन लोगों का तुलना नहीं होता। नित्यानंद और नित्यानंद शक्ति जानवर अभिन्न है, अनंग मंजरी का रूप में यही जाह्नवी ठाकुरानी कृष्ण लीला में राधा रानी का छोटी छोटी बहन,
अब वैदिक युग का बारे में जो बताया अभी जो हमने बताया, बहुत सारे ऋषि माताजी हैं, वेदों का ऋषा भी लिखा है, गार्गी कात्यायनी बहुत सारे हैं, बहुत सारे मतलब ज्यादा नहीं है, लिमिटेड है ये लोग, दे आर बियॉन्ड एनी बॉडी लिमिट, ये लोग बॉडी लिमिट का बाहर है, अर्थात शरीर का जो धर्म है, जड़ मन का जो धर्म है, जड़ शरीर का जो धर्म है, ये धर्म का बाहर है। अगर नहीं होता तो वेद ये लोग का सामने प्रकाशित नहीं होता, वेद तो प्रकाशित होता है, उदय होता है, जैसे हमारा गायत्री मंत्र विश्वामित्र मुनि, ये वेदों का ऋचा जो है ये पहले लिखित रूप में नहीं था, ये भजन का पावर के ऊपर जागोवल्को आदि जितना सारे ऋषि हैं, बहुत सारे शायन आचार्य जो तो उसका बहुत सारे अवदान हैं, तो ये लोग जो है शरीर धर्म का बाहर है, दे आर बियॉन्ड एनी बॉडी लिमिट, ये लोग स्वरूप शक्ति का विलास नहीं है, भगवान का स्वरूप शक्ति के विलास नहीं है, फिर भी ये लोग बॉडी लिमिट का बाहर है, दे आर बियॉन्ड एनी बॉडी लिमिट, शरीर का जो धर्म है मालिन्यो कंटामिनेशन, फिर काम, ये माताजियों का जिंदगी में काम नहीं दिखा पाता, ये जो स्वाभाविक रूप से जो खिंचावट है, फिर शरीर धर्म होता है माताजियों का, ये शरीर धर्म ये लोग का अंदर में नहीं था, अर्थात और इसीलिए स्त्री लोगों का लिए प्रतिबंध, स्त्री लोगों का लिए प्रतिबंध लगाया गया भागवत जी महापुराण में, ये लोगों को वेदों में अधिकार नहीं, क्यों, वेदों का नियम है श्राद्धाय अध्याय ये जो है रेगुलर करना चाहिए, श्राद्धा मतलब रेगुलर, लेकिन ये लोगों को रेगुलर करने का हिम्मत नहीं है, तीन दिन महीना में तीन दिन ये बेकार हो जाएगा, इसीलिए पूजा में भी दिक्कत होगी, व्यासासन में बैठने का भी कोई अधिकार नहीं है, कभी भी कुछ हो सकता है एक्सीडेंट, बहु भागवत जी महापुराण के व्यासासन में बैठने का भी अधिकार इसीलिए अधिकार नहीं, और शूद्र तो शूद्र है, शूद्रों का बारे में अगर विचार किया जाए, शूद्र को अधिकार क्यों नहीं है, शूद्र को अधिकार इसलिए नहीं है ये शोक करते रहते हैं, शोकं करोति इति शूद्र, शोकं करोति इति शूद्र, ये हर वक्त शोक करते रहते हैं, इसलिए इन लोगों का अधिकार नहीं है, कम से कम ब्राह्मण का क्वालिटी आ जाए तो भी कुछ है, कम से कम ब्राह्मण का क्वालिटी, शूद्रे अनार्जव लक्षण, शूद्र में अनार्जव लक्षण सच्चाई नहीं है, और परम सत्य वस्तु जो है भगवान है, तो जो लोग आचार्यों का काम कर रहे हैं ये लोगों का अगर अपारेंट ट्रूथ इस जगत का सच्चाई को सामना करने का हिम्मत नहीं है, वो लोग कैसे एब्सोल्यूट परम सत्य वस्तु का भजन करे और जगत को कैसे उद्धार करे, ये बताओ, जे लोग का हिम्मत नहीं है कि जगत का ये जगत का सच्चाई, ये भी जगत का जो सच्चाई है ये भी सामना करने की हिम्मत नहीं, झूठा बोलता है, चीटिंगबाज है, धोखेबाज है, मक्कार है, अगर ये लोग जगत का सच्चाई को सामना ना कर सके, अपेरेंट ट्रूथ, व्हाट टू स्पीक अबाउट एब्सोल्यूट ट्रूथ, और प्राकृतिक सत्य का बारे में ये लोगों का कैसे अधिकार हो सकता है, तो ये लोग शूद्र है, झूठा बोलता है, तो स्त्री लोगों का अधिकार इसलिए नहीं है, कोई माताजी बहुत ऊंचा भजन करते करते ऐसा स्थिति
ये ए लोगों का, ये माताजियों का चरण धूली लेने के लिए जगत का आदमी व्यस्त हो जाएगा। जैसे हमने बताया हरिदास ठाकुर का कृपा के द्वारा, हरिदास ठाकुर की कृपा के द्वारा ये जो वेश्या है लख हीरा लक्ष्मण हीरा इतना बड़ा हो गया भजन करते करते। लिखा है जे बड़ो बड़ो महांती, बड़े बड़े महांती तार दर्शनते जानती, बड़े बड़े महांती लोग इनके चरण का दर्शन करने के लिए आते थे। तो जो भजन करता है वो बड़ा है, लेकिन दीक्षा का अधिकार किस लिए नहीं है, वेदों के क्यों अधिकार नहीं है, वैशासन में क्यों अधिकार नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विचार है, शरीर का पवित्र रखना बहुत सारे विषय है। तो स्त्री शूद्र का तो अधिकार है ही नहीं। और द्विजो बंधु मतलब पतित ब्राह्मण, पतित द्विजो मैंने जो आचार आचरण कुछ नहीं है, सारे गंवा के बैठा है। जैसे अश्वत्थामा, अश्वत्थामा क्षत्रियों का मां भी लड़ाई किया, खैर चलो वो भी चले, लेकिन वो खून किया, ये खून किया, पंचपांडव का पांच लड़का को काट दिया, गला काट दिया, ये ब्रह्महत्या किया, इसका बाद झूठा का सहारा लिया, दुर्योधन दुर्योधन का पक्ष में लड़ाई किया, दुर्योधन तो झूठा है। द्विजो बंधु पतित है ये लोग का, इसीलिए वेदों में अधिकार नहीं है। लेकिन ये लोग का मंगल कैसे हो, ये लोग का मंगल कैसे हो सकता, इसीलिए विचार बना के व्यासदेव जी महाराज महाभारत जी का रचना किया। स्त्री 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 शूद्रो द्विजो बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा, स्त्री शूद्रो द्विजो बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा, कर्मो श्रेयासी कर्मो श्रेयसी मुरानम श्रेयो एवं भवेत इहो इति भारतमाख्यानम कृपया मुनिना कृतम। स्त्री शूद्रो स्त्री शूद्रो द्विजो बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा, कर्मो श्रेयसी मुरानम श्रेयो एवं भवेत इहो इति भारतमाख्यानम कृपया मुनिना कृतम, इति भारतमाख्यानम कृपया मुनिना कृतम। इसीलिए कृपा करके व्यासदेव जी महाराज महाभारत रचना किया। ये जो प्रसंग मैंने उठाया था, ये परम पूजा श्रीधर गोस्वामी महाराज चले जाने का बाद ये ब्रह्मचर्य अलग सा मंदिर की, और वो भी चले जाने का बाद एक माताजी सन्यास देना शुरू कर दिया, दीक्षा गायत्र सब कुछ, इस बात को लेकर बड़ा हंगामा मच गया। और किसी एक संस्था में माताजी आचार्य होने का व्यवस्था कर दिया गया। ये सब व्यवस्था को लेकर महाप्रभु उद्विग्न है, गुरुवर्गो चिंतित है, क्योंकि सारे अव्यवस्था फैला हुआ है, सारे अव्यवस्था फैला हुआ है, कोई किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है, सारे अव्यवस्था फैला हुआ है। भरद्र संगीता में एक ये भरद्र संगीता से ये तो कई सारे श्लोक दो चार उठा के श्लोकों का नंबर भी मैं बता दे। भरद्र संगीता 1.42 अर्थात 1:42, 1:43, 1:59 ये विचार है।
इसमें लिखा हुआ है, इस श्लोकों का जो नंबर हमने बताया इसमें लिखा है, एक माताजी और एक शूद्र और कोई पतित व्यक्ति, ये लोग मंत्र दीक्षा मंत्र दीक्षा देने का अधिकार इन लोगों को नहीं है। वोमेन अशुद्र डिग्रेडेड पर्सन कैन नेवर बी एन इनिशिएटिंग गुरु। मैंने कारण भी बताया, बहुत सारे कारण हैं। अगर कोई माताजी भजन करके ऊपर भी जाए फिर भी इनिशिएटिंग गुरु दीक्षा दान करने के लिए इन लोगों का अधिकार है नहीं। बहुत सारे हंगामा हो सकता, ये लोग दीक्षा ना दे शिक्षा दे सकता। आ वोमन अशुद्र डिग्रेडेड पर्सन कैन नेवर बी एन इनिशिएटिंग गुरु, नाइदर कैन वन हु इज एक्विज्ड ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज। बहुत सारे पाप किया है पापी व्यक्ति और पतित गुरु, एक सब दीक्षा देने के लिए अगर खड़ा हो जाए तो दुनिया में अव्यवस्था फैलेगा। माताजियों का दीक्षा देने का अधिकार नहीं है। दीक्षा दे रहा है उसी समय अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया बस हो गया, इसीलिए अधिकार नहीं है। व्यासासन में बैठा प्रवचन कर रहा है, कुछ हो गया एक्सीडेंट बस हो गया, बड़ा अपराध लगेगा। इसलिए ये स्त्री लोग शूद्र और पतित आदमी ये लोग दीक्षा गुरु का काम करने का लायक नहीं है, कभी भी ना करे। और जो व्यक्ति पापी है बहुत पाप क्रियाकर्म में युक्त तो था पहले, और कोई पतित गुरु है ये भी दीक्षा का काम ना करे। माताजी और शूद्र ये लोग शिक्षा गुरु का काम कर सकता है। वोमेन एंड इवन शूद्रस मै गिव मोरल इंस्ट्रक्शन इन सोसाइटी अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, ये देख सकता है। लेकिन ये लोगों को दीक्षा देके एक परंपरा का लाइन खोलने का, डिसिप्लिन सक्सेशन खोलने का कोई अधिकार नहीं है। सख्त सख्त माना है। और यहां तक भी लिखा हुआ है भरद्वाज संहिता में, यदि अगर कोई माताजी से दीक्षा ले लिया, कोई शूद्र से दीक्षा लिया और कोई मिक्स कास्ट मतलब शुतो मिक्स कास्ट, समझा, अथवा कोई अधिकारी ऑथेंटिक कोई इसका डिसिप्लिन सक्सेशन नहीं है ऐसा कोई व्यक्ति, अथवा कोई पापी व्यक्ति पतित व्यक्ति, ये लोग इनिशिएशन देने का कोशिश ना करें। साथ इनिशिएशन अगर कोई ऐसा व्यक्ति थे दीक्षा लिया भी होगा, साथ इनिशिएशन इज एब्सोल्युटली वर्थलेस इवन इफ द डिसाइपल इज सिंसियर एंड क्वालिफाइड। अगर दीक्षा ले लिया तो ये दीक्षा कोई काम का नहीं है, बेकार हो जाएगा। बहुत सारे अगर कोई कहे हम भरद्वाज संहिता को नहीं माने, अगर कोई कहे ये भरद्वाज संहिता को मैंने मानने के लिए तैयार नहीं है, तो विचार ये है अद्वैत आचार्यो रूप गोस्वाईपाद सनातन गोस्वाईपाद जीव गोस्वाईपाद ये लोग सारे भरद्वाज गोत्रों में पैदा हुआ है। तो अगर भरद्वाज संहिता को मान्यता, अगर आप भरद्वाज संहिता को मान्यता ना दे तो इसका मतलब भरद्वाज मुनि को मान्यता ना दे
तो भरद्वाज गोत्रियों में जो पैदा हुआ अद्वैत गोसाई आदि सनातन रूप ये लोगों को मान्यता ना दे। भरद्वाज गोत्र इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये सब प्रमाण के द्वारा मैं अन्य व्यतिरिक रूप में ये सब प्रमाण को स्थापना करना चाहा ताकि कोई गलत फहमी कुछ गलत भावना पैदा ना हो जाए। यहां तक हमारा विचार को सीमित रखे, क्षमा करे। अगले सप्ताह ये साधु मार्गानुगमनम व पूर्व गुरु वैष्णव का अनुगमन करना, इसने ये सब विषय का ऊपर अन्य व्यतिरिक रूप में मैं दिखाने का कोशिश करे। व्यतिरिक रूप में कितना भेजाल, कितना कंटामिनेशन हो गया। एक अगले हफ्ता में विचार करने का कोशिश करें, क्षमा करें। ये ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम स्ट्रीमिंग करना संभव नहीं हुआ और ये कथा घंटा दो चार बाद प्रकाशित होने वाला है, क्षमा करें। टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम स्ट्रीमिंग कर नहीं पाए, क्षमा करें। वांछा कल्पतरुष्य के पास इन बोली पतितानं पावन भूयो भविष्यो नमः।